हेलो दोस्तों, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा की नई आने वाली इनोवा हाई क्रॉस के बारे में। टोयोटा हाई क्रॉस का अनवील कंफर्म हो गया है, जो कि 25 नवंबर तक होगा और जो इसकी सेल है वो 2023 जनवरी से शुरू होगी और साथ ही ये ऑटो एक्सपो में भी शोकेस की जाएगी। अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बाद अब इनोवा का हाई क्रॉस वेरियंट टोयोटा निकालेगा, जो कि पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ऑफर किया जाएगा। आपको बता दें, जो इनोवा की क्रिस्टा आती है, जो कि डीजल में भी और पेट्रोल में आती है, वो अब आपको डीजल में ही मिलेगी और जो पेट्रोल हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको इनोवा हाई क्रॉस के नाम से आएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो मैं ये स्टिल्स दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसमें इसके लुक की बात करते हैं तो अगर फ्रंट से आप देखेंगे तो इसका जो ग्रिल है वो क्रॉस डिज़ाइन में आपको ग्रिल मिलेगा और जो इसकी हेडलैम्प्स है वो थोड़ी सी स्लीक मिलेगी, जैसा आपको टोयोटा की फॉर्च्यूनर में मिलता है। नए स्पोर्टियर बम्पर्स मिलेंगे और जो एलईडी बार्स होंगे वो ऐसे स्ट्रेट होंगे, जो आपको डीआरएल के फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा जो बोनट है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। साइड से अगर हम इस एमपीवी को देखें तो ए बी सी पिलर तक लगभग सेम होगी, लेकिन सी से डी पिलर की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये न्यू प्लेटफॉर्म मोनोकॉक लाइट फ्रेम पे बनी हुई है और ये TNGAC आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म इसे कहा जाता है, जिसके चलते डायमेंशंस में थोड़ा सा इजाफा होगा, यानी जो ये इसकी साइज होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये लगभग 100 mm ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस होगा, जिससे आपको थर्ड रो या बूट स्पेस में ज़्यादा जगह मिल सकती है। वहीं अगर इसके साइड की लाइंस की बात करें, जिसको शोल्डर लाइन बोला जाता है, वो भी आपको काफ़ी एग्रेसिव नज़र आएगी और जो सबसे बड़ी चीज़ रहेगी कि एलॉय व्हील्स भी इसमें आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी करंट इनोवा से। वहीं बैक से अगर हम इसको देखें तो आपको सबसे पहले शार्क फिन एंटीना मिलेगा, रेयर स्पॉयलर मिलेगा, डिफॉगर वाइपर मिलेगा और सेंटर में टोयोटा की बैजिंग मिलेगी और साथ ही इसमें एलईडी टेल लाइट्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको हाई क्रॉस और हाइब्रिड की भी बैजिंग बूट पे नज़र आएगी। इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ होगा और साथ ही इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टिव होगा। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि टोयोटा अब अपनी एसयूवीज में और एमपीवीज में सनरूफ और एडास दोनों फीचर्स ऐड करने वाला है। टोयोटा हाई क्रॉस के पेटेंट डिजाइन से भी कंफर्म हो गया है कि अब आपको हाई राइडर की तरह पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी और एडास टेक्नोलॉजी, जो एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम बोला जाता है, वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, आपको जैसा मैंने बोला था कि मोनोकॉक प्लेटफॉर्म होगा, ये लाइट होगा और साथ ही साथ ये जो इनोवा होगी ये फ्रंट व्हील ड्राइव होगी, जिससे इसमें बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये प्रॉपर 6-7 सीटर एमपीवी का जो माइलेज है वो 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। या दोस्तों, अगर सीधे सीधे भाषा में इसको कहें तो जो टोयोटा ने अभी अर्बन क्रूजर हाई राइडर लॉन्च की थी, ये उसी का एक 7 सीटर वर्जन होगा। इंजन की बात करें तो वही सेम 1.5 लीटर का भी इंजन ऑफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि टोयोटा कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक बड़ी एमपीवी है, तो इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर करे, जो कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों टेक्नोलॉजी के साथ होगा। क्योंकि टोयोटा का इनोवा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, डीजल में काफ़ी ज़्यादा सेल है और अभी उन्हें अपनी बुकिंग्स को भी होल्ड करना पड़ा, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा डिमांड है। अब उसी चीज़ को वो बाइफरकेट करने के लिए पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जो पेट्रोल पे जाना चाहें वो पेट्रोल पे जा सकते हैं और जिनकी ज़्यादा रनिंग है वो डीजल पे जा सकते हैं। साथ ही बाद में इसको मारुति सुजुकी भी रीबैच करके सेल करेगा अपने नेक्सा के थ्रू। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि टोयोटा का ये बेहतरीन कदम है। बस एक चीज़ मुझे लगता है यहाँ पे, कि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो पावर रहे वो टोयोटा में जिस तरह से डीजल में ऑफर किया जाता है, वैसे ही पेट्रोल हाइब्रिड के साथ भी किया जाए तो वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचेगा।